हम लोगों ने सबसे पहली कौन सी रिएक्शन देखी? कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज को जलाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट? कंबशन। तो सबसे पहला महारूल क्या है हमारा कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हमेशा क्या निकलेगा कंबशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अगर अपन ने मीथेन जलाया, मीथेन क्या होता है? CH4। तो भी क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। इथेन जलाया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। इथेनॉल जलाया तो भी क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो दुनिया में आप कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाओगे तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब हाइड्रोकार्बन अपने आप में कितने टाइप के होते हैं? दो। एक कौन से होते हैं? सैचुरेटेड। एक कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं, जिनको हम लोग प्यार से अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल भी हो सकता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कीन और अल्काइन। तो जब अल्केन्स जलेंगे तो कंबशन कैसा होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। फ्लेम कैसा आएगा? ब्लू कलर का आएगा और इसमें कोई सूट या अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, ऑरेंज या फिर येलो फ्लेम निकलेगी और सूखी फ्लेम प्रोड्यूस होगी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स गेट ब्लैक एंड? तो कुकिंग यूटेंसिल्स के बॉटम्स क्यों काले हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो हमारा गैस स्टोव रहता है उसका उसके जो पोर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। और जब वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, वो पहुंचता नहीं है। और अगर वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या नहीं होता, पहुंचता नहीं है, तो क्या होता है? इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, जिस वजह से हमें क्या मिलता है? सूखी फ्लेम मिलता है। इज इट क्लियर? आगे जाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी क्या है? व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न विद फ्लेम एंड विदाउट फ्लेम? फ्लेम मतलब जैसे कैंडल में वो आग की लपटे रहती है। अब बहुत सारी चीजें होती है जो जलती है, हीट भी देती है, लेकिन उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जलती है, हीट भी देती है, लेकिन उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा? फ्लेम तब प्रोड्यूस होगा जब किसी चीज के वेपर्स बर्न होंगे। फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा? जब किसी चीज के वेपर्स बर्न होंगे। और वेपर्स किन चीजों में होंगे? जिन फ्यूल्स का नेचर वोलेटाइल होता है। जिन फ्यूल्स का नेचर कैसा होता है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो इजीली काय में कन्वर्ट हो जाए गैस में। ऐसी चीजें जो इजीली काय में कन्वर्ट हो जाए गैस में। तो अगर 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 मेरे फ्यूल का नेचर कैसा है? वोलेटाइल है, तो क्या होगा? उसको जब हीट करेंगे तो वो इजीली काय में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और ये जो गैस या वेपर रहेगा, जब ये वेपर बर्न होगा, जब ये वेपर बर्न होगा तो फ्लेम प्रोड्यूस होगा। यानी कि ऐसे फ्यूल्स जिनके अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं या जिनमें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, वो क्या करेंगे? वेपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो जलेंगे, वो हीट भी देंगे, वो जलेंगे, वो हीट भी देंगे, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। आया समझ? इसी पे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डज कोल इन एन अंगीठी जस्ट ग्लोज एंड डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम? यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाई डज कोल इन अंगीठी इनिशियली बर्न्स एंड देन ग्लोज विदाउट द फ्लेम? आ रही है बात समझ में? तो अंगीठी में तुमको पता है जो तुम लोग तंदूरी रोटी खाते हो ना, वो ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का वो रहता है, उसके अंदर जब आप कोयला जलाते हो तो शुरू में तो उसमें आग की लपटें आती है। अगर तुम बाद में देखोगे तो उसको वो क्या करते रहते हैं? पलटाते रहते हैं। हीट होता है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम लोग बोलते हैं कोल जो रहते हैं ना, उसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या रहते हैं? बहुत कम रहते हैं। और क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस वेपर में कन्वर्ट होकर, वोलेटाइल सब्सटेंसेस वेपर में कन्वर्ट होकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? फ्लेम प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तब वो जलेंगे, हाँ जलेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हाँ हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ग्लो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? लेफ्ट हैंड ऊपर करो और ऐसे ऐसे करो। बोलो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड ऑन ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव्स गिव्स कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एसिड अपॉन ऑक्सीडेशन, अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव्स गिव्स कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड अल्कोहल अल्कोहल इथेनॉल इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स इथेनोइक एसिड। गिव्स इथेनोइक एसिड इथेनोइक लेफ्ट हैंड में क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट राइट हैंड में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट लेफ्ट हैंड में क्या रखोगे इथेनोल, कार्बोहाइड्रेट राइट हैंड में क्या आ जाएगा इथेनोइक एसिड। आया समझ में? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव्स क्या कार्बोक्सिलिक कार्बोक्लिक एसिड, एसिड ठीक है ना। अब मुद्दा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हम लोग बोलेंगे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बोलेंगे एल्कलाइन अल्कलाइन पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है KMnO4, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा कौन सा होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज एसिडिफाइड K2Cr2O7, क्लियर है। अब नीचे रिएक्शन देखो, ओल है, ओल इसलिए आखिरी में क्या लगा हुआ है ओ एच, ओ एच लगा हुआ है ओ एच, ये रहा इथेनॉल लिखा है, यहाँ क्या लगा हुआ है ओ एच, और क्योंकि एच है ईपीएच, तो एच मतलब कितने कार्बन, दो, तो ये क्या बन गया इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ओ ए, मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है मेरा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज करते हैं या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं, और ये हम लोग करेंगे तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या मिल जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या कहानी समझ में आई। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या कि जो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ अल्कोहल, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन अल्कोहल टू कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज नोन एज व्हाट ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, तो हमने बोला सब्सटेंसेस विच एड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन, सब्सटेंसेस विच एड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे यहाँ पर कौन है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे, इथेनॉल था तो वो काय में कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड में, और ये देखो कितने कार्बन है गिनो जरा, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ब्यूट, तो ये मेरे हाथ में क्या है ब्यूटेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या एसिड इतनी कहानी क्लियर है, क्या केमिकल रिएक्शंस इजी लग रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, ठीक है ना। अब जब हम लोग एक को हटाएंगे और दूसरे को लगाएंगे तो यहाँ पर किसका सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग, क्लोरीन का, किसका देखेंगे क्लोरीन का, तो बोलो एच को हटाओ सीएल को लगाओ, ऑक्सीडेशन ये पूरे चैप्टर में ना एच बहुत बेचारा है, अभी कल हम लोग ना एच को हटाएंगे और उसकी जगह सोडियम लगा देंगे एने, तो आज हम लोग क्या बोल रहे हैं एच को हटाओ सीएल को लगाओ, कल क्या बोलेंगे एच को हटाओ एनए को लगाओ, लेकिन आज हमें क्या देखना है एच को हटाओ सीएल को लगाओ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये मीथेन है CH4, ये जो एच है इस वाले सीएल में, ये वाला देखा है ये वाला सीएल,
इस वाले सीएल ने इस सीएल को एक्स को क्या बोला, चल भाग भाग। तो ये भाग गया बेचारा, लेकिन किसके साथ, इसके ही दोस्त दूसरे सीएल के साथ। एंड एचसीएल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये पूरी रिएक्शन कहाँ होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। कहानी समझ में। तो हमने क्या करा, एच को हटाया, सीएल को लगाया, और ये जो एच था दूसरे सीएल के साथ हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। ठीक है, फिर अब देखो एक सीएल तो हो गया, अब दूसरे एच को हटाएंगे। देखो ये जो था ना सी एच थ्री सी एल, ये वापस यहाँ रिएक्टेंट में आ गया। अब इस फिर क्या हुआ, इस सीएल ने, इस वाले सीएल ने इस एच को क्या बोला, चल भग। और ये इस सीएल का हाथ पकड़ के इधर आ गया। ठीक है, तो अब कितने हो गए, दो एच हो गए और दो सीएल। अब हम लोग देखेंगे कि ये दो एच और ये दो सीएल, देखो दो सीएल लिख रहे, ये एक सीएल ये दूसरा सीएल। अब दो एच, अब फिर से ये वाला सीएल इस वाले एच को क्या बोलेगा, चल भग। तो ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा और इस सीएल के साथ जाएगा। तो एच अब मेरे पास क्या बन गया, सी एच सी एल भी। ठीक है ना, तो देखो सी एच थ्री सी एल, सी एच थ्री सी एल को हम लोग बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन। जब क्लोरीन दो हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। जब क्लोरीन तीन हो जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जो हम लोग बेहोश करने के लिए यूज करते हैं ना लोगों को वो। और अगर यहाँ पर एक एच बचा हुआ है, इस एच को भी ये वाला सीएल क्या बोलेगा, चल भाग। तो वो इस सीएल के साथ क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। और यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, सीसीएल फोर। इसे हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये पूरी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। बिना सनलाइट के ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी।